نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. हम दीन इस्लाम के पांच शोबों के बारे में मुख्तलिफ दुरूस में मुताला कर रहे थे. आज ईमानियात के सिलसिले में जो पांच चीज़ें जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है, आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिर, उसमें अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, इनमें अब हमारा गुफ्तगू का तज़किरा शुरू हो रहा है रिसालत से मुताल्लिक के रसूलों पर ईमान. रसूलों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे. हमारा उन सब पर ईमान है कि वो अल्लाह की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजे गए. और फिर रसूलों के ज़रिए अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी के बारे में, पूरे निज़ाम हयात के बारे में और कायनात के बारे में और आइंदा आने वाली मौत के बाद की जो ज़िंदगी है उसके बारे में हमें सही अहकामात सिर्फ़ और सिर्फ वही इलाही से मालूम हो सकते हैं. और वही इलाही ये अंबिया और रसूलों पर नाजिल होती थी. इसी तरह रसूलों की ज़रूरत ये भी है कि वो हमें अपने आमाल के अंजाम से आगही फराहम करते हैं. फिर इसी तरह रसूलों पर ईमान लाना इसलिए भी ज़रूरी है कि रसूल जो हैं हमेशा अमली नमूना लोगों के सामने पेश करते हैं. ख़ास तौर पर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है. इसी तरह अंबिया और रसूलों के ज़रिए हमें हिदायत और रहनुमाई नसीब होती है. और अंबिया के बारे में हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हम तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं. सूरह बकरा की आयत नंबर 285 में अल्लाह ताला ने हमें ये समझाया कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिह, कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूलों में कोई तफरीक नहीं करते. अल्लाह ताला ने हर कौम के पास नबी को भेजा, रसूल को भेजा. और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने यूँ इरशाद फरमाया सूरह नहल की आयत 36 में, वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला, हमने हर उम्मत में रसूल भेजे हैं. ये अंबिया और रसूल जो होते हैं इनमें ईमान लाने के बारे में ये बात भी बड़ी अहम है कि रिसालत अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है. कोई इंसान अपने इल्म, मेहनत या रियाजत से ये रिसालत का मनसब, पैगंबरी का मनसब हासिल नहीं कर सकता. और हमारा ये भी ईमान है रसूलों के बारे में कि तमाम रसूल गुनाहों से मासूम होते हैं. तमाम अंबिया जितने भी अल्लाह ताला ने भेजे सब के सब गुनाहों से मासूम होते हैं. और फिर हमारा ये भी अकीदा है कि अल्लाह ताला का पैगाम ये अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों तक पहुंचाते हैं. और फिर अंबिया की इताअत ये भी लाजिम होती है, उनकी पैरवी करना ये भी लाजिम होता है. ख़ास तौर पर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने सूरह आराफ की आयत 158 में इरशाद फरमाया, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कह दीजिए कि लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ. तो मालूम हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमगीर नबी हैं और दाइमी रसूल हैं. अब आपके बाद कोई और नबी नहीं आएंगे. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा दीन दिया गया जो कि मुकम्मल दीन है, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. لہذا نظام حیات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں دیا وہ مکمل دین ہے.
और फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, और हमें इस बात पर भी ईमान रखना होता है कि दीन मुहम्मदी ने पहली शरीयतों को मनसूख कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत 185 में इरशाद फरमाया, वमन यबतगी गैर अल इस्लामी दीनन फलन युक्बला मिन्हु, कि दीन इस्लाम के अलावा अब कोई दीन और कोई तलाश करेगा तो उसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। लिहाजा हमें रसूलों और नबियों के बारे में, ख़ास तौर पर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमें ये अकायद जहन में रखने होंगे। और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहम तरीन अकीदा ख़त्म नबूवत का अकीदा है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे। इस अकीदे के बारे में, ईमानियात के सिलसिले में, ख़त्म नबूवत के बारे में आइंदा दर्स में इंशाअल्लाह बात हो सकेगी। इसके बाद हम दूसरा शोबा जो इबादात का है उसका मुताला कर रहे थे। इबादात के शोबे में हमने नमाज से मुताल्लिक तफसीलात मालूम की, और हमें नमाज पढ़ने का जो मर्दों का तरीक़ा है वो मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमने मुताला किया। अब हम आज के दर्स में ख़वातीन की नमाज से मुताल्लिक जो दीन इस्लाम के अहकामात हैं उनका हम मुताला करेंगे। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मर्द और ख़वातीन की नमाज में फ़र्क क्या है। मर्दों को भी ये बात गौर से सुनना होगी, ख़वातीन को भी, कि ख़वातीन की नमाज और मर्दों की नमाज में जो फ़र्क हैं उनमें पहली बात तो ये है कि ख़वातीन को नमाज शुरू करने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिए कि उनके चेहरे, हाथों और पाँव के सिवा तमाम जिस्म कपड़े से ढका हुआ है, क्योंकि इस बारे में पहले बात हो चुकी कि ख़वातीन का जो सतर है वो है दोनों हाथ, दोनों पाँव और चेहरे के अलावा सारा बदन सतर है जिसे ढांपना नमाज के लिए शर्त है। बाज़ ख़वातीन इस तरह नमाज पढ़ती हैं कि उनके बाल खुले रहते हैं, बाज़ ख़वातीन की कलाइयाँ खुली रहती हैं, उनके जो बाजू होते हैं लिबास के वो छोटे होते हैं, बाज़ ख़वातीन के कान खुले रहते हैं, बाज़ ख़वातीन इतना छोटा दुपट्टा इस्तेमाल करती हैं कि उसके नीचे बाल लटके हुए नज़र आते हैं। ये सब तरीक़े नाजायज़ हैं, इसलिए ख़वातीन को मुकम्मल सतर ढांपना नमाज के लिए अंदर शर्त है। और दूसरा ये कि ख़वातीन मस्जिद में नमाज पढ़ने के बजाय घर में नमाज पढ़ें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मालूम होता है कि ख़वातीन कमरे में नमाज पढ़ें ये बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है, और बरामदे में नमाज पढ़ना ये सहन से अफजल है। यानी जितना अपने आप को सतर और पर्दे का ख्याल करके नमाज पढ़ेंगी उतना बेहतर है। फिर इसी तरह ख़वातीन को ये भी चाहिए कि जब औरतें नमाज शुरू करें तो वो हाथ कानों तक ना ले जाएं बल्कि कंधों तक हाथ उठाने चाहिए। और एक ये फ़र्क कि औरतें हाथ जब बांधें तो सीने पर बांधें, दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुश्त पर रखें। और एक ये फ़र्क है कि ख़वातीन जो है रुकू में, औरतें जब रुकू करें तो मर्दों की तरह कमर को बिल्कुल सीधा ना करें, औरतों को मर्दों के मुकाबले में रुकू में कम झुकना चाहिए। और छठा फ़र्क इसमें यह है कि रुकू की हालत में मर्दों को तो उंगलियां घुटनों पर खुली रखनी चाहिए, लेकिन औरतों के लिए हुक्म है कि वो जब रुकू में जाएं तो अपने हाथ घुटनों पर रखें और उंगलियों को मिला के रखें। सातवां फर्क ये है कि औरतों को रुकू में अपनी टांगें बिल्कुल सीधी ना रखनी चाहिए, बल्कि जैसे मर्दों के लिए तो ज़रूरी है कि सुन्नत है कि वो अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा रखें, घुटनों को खम ना दें, लेकिन औरत के लिए है कि वो अपनी टांगें बिल्कुल सीधी ना रखें बल्कि घुटनों को आगे की तरफ जरा सा खम देकर खड़ा होना चाहिए। आठवां फर्क ख्वातीन की नमाज में ये है कि मर्दों को तो ये हुक्म था कि रुकू में उनके बाजू पहलुओं से जुदा हों और तने हुए हों सीधे बिल्कुल, लेकिन औरतों को इस तरह रुकू करना चाहिए कि उनके बाजू उनके पहलुओं से मिले हुए हों।
नौ फर्क ख्वातीन की नमाज में ये है कि औरतें जब खड़ी हों क्याम की हालत में तो दोनों पांव को मिलाकर खड़ा होना चाहिए, दोनों पांव के दरमियान फासला ना हो। दसवां फर्क ये है कि सजदे में जाते वक्त मर्दों के लिए तरीका बयान किया गया था कि जब तक घुटने जमीन पर न टिकें उस वक्त तक ऊपर के बदन को न झुकाएं, लेकिन औरतों के लिए तरीका नहीं है। औरतें जो हैं वो शुरू ही से जब सजदे में जाने लगें तो ऊपर के बदन को पहले झुका लें। ग्यारहवां फर्क ये है ख्वातीन की नमाज में कि औरतों को सजदा इस तरह करना चाहिए कि उनका पेट रानों से बिल्कुल मिल जाए और बाजू जो है सजदे में वो भी पहलू से मिले हुए हों, और औरत जो है वो पाँव को सजदे में खड़ा करने के बजाय उन्हें दाएं तरफ निकाल कर बिछा दे। और बारहवां फर्क ये है कि मर्दों के लिए सजदे में कोहनियाँ जमीन पर रखना मना है। मर्दों के लिए कहा जाता है कि कोहनियाँ सजदे में जमीन से ऊपर रखें, लेकिन औरतों के लिए कोहनियों समेत पूरी बाहें जमीन पर रखनी चाहिए। 13वां फर्क ये है कि सजदों के दरमियान और अतहियात के दरमियान जब बैठना हो तो बाएं कूल्हे पर बैठें खवातीन, और दोनों पांव दाएं तरफ को निकाल दें और दाएं पिंडली को बाएं पिंडली पर रखें। इसे हदीस में तवरुक कहा गया कि सुरीन पर कूल्हे के बल पर बैठना, ये खवातीन के लिए। और 14वां फर्क जो है वो मर्द और खवातीन की नमाज में ये है कि मर्द जो है वो रुकू में नमाज के बाकी हालात में अपनी उंगलियों को खुला छोड़ते थे, लेकिन ख्वातीन के लिए है कि वो उंगलियों को मिलाए रखें। और 15वां फर्क ये है कि मर्दों को तो सुन्नत ये है कि जमात के साथ नमाज पढ़ें, मर्द जमात भी करा सकते हैं, लेकिन औरत का जमात करना मकरूह है, उनके लिए अकेले नमाज पढ़ना बेहतर है। अलबत्ता घर के महरम अफराद घर में जमात कर रहे हों तो उनके साथ जमात में शामिल होने में कुछ हर्ज नहीं, लेकिन ऐसे मर्दों के बिल्कुल पीछे खड़ा होना जरूरी है, बराबर में खवातीन मर्दों के हरगिज खड़ी ना हो। ये वो फर्क थे जो कि मर्द और खवातीन के दरमियान नमाज के पढ़ने के दौरान दौरान फर्क थे, इनको मलहूज रख लेना चाहिए। ये इबादात के सिलसिले में आज गुफ्तगू थी। और इसके बाद तीसरा शोबा दीन इस्लाम का मुआमलात। मुआमलात के ज़िमन में हमने इस बात का मुताला किया कि हम एक दूसरे के हुकूक अदा करते हुए, एक दूसरे के हुकूक का और फराइज़ का ख्याल करते हुए जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे मुआमलात दुरुस्त होते चले जाते हैं। इन मुआमलात में से जो खाविंद के फराइज़ हैं, बीवी के जो हुकूक हैं, उनका जिक्र हो रहा था। उनमें जो मामले की बात थी तो वो महर की अदायगी, के महर लाजिमन अदा करना चाहिए, और उसके आदाब का हमने मुताला किया। इसी तरह आज हम बीवी के हुकूक और खाविन के फराइज के सिलसिले में नान और नफका के बारे में मुताला करेंगे। नान फारसी जुबान में रोटी को कहते हैं और नफका खर्च को कहते हैं। यहाँ से मुराद खाना पीना रिहाइश लिबास, इससे ये तमाम चीज़ें मुराद हैं। लिहाजा बीवी का यह हक है कि शोहर उसकी ज़रूरियात को पूरा करे। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत 34 में ये इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कवामून अलल निसा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। मर्द औरतों के निगहबान हैं इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर फजीलत इनको दी है, और इस वजह से कि ये इन मर्दों ने अपने माल खर्च किए इन खवातीन पर। लिहाजा औरत के अखराजात ये सब किस्म शोहर के जिम्मे हैं कि वो उन्हें पूरा करें। इसी तरह अदल व इंसाफ के हुकूक अदा करने में ये मर्द औरत से अदल व इंसाफ से काम ले, ये भी बीवी का हक है। वो माशरती हकूक़ हों, माशी हकूक़ हों, इज्दिवाजी हकूक़ हों, ये ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने उसमें यही इरशाद फरमाया। फिर हम जब मुआशरत के बारे में मुताला करते हैं तो ऐसी सूरत में रहना सहना, तो हम मामलात से आगे बढ़कर जब बात करेंगे
حسن سلوک کے بارے میں کہ خاوند کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ جو رہنا سہنا اختیار کریں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے، اور اگر ان کی کوئی بات ان کو بری لگے تو ایسی صورت میں یہ سوچیں کہ اگر وہ دین اسلام کے احکام کے خلاف بات نہیں ہے، مزاج کی بات ہے، پسند ناپسند کی بات ہے، اٹھنے بیٹھنے کی بات ہے، رہنے سہنے کے آداب کی بات ہے، اگر وہ دین اسلام کے خلاف نہیں ہے اور آپ کو بری لگ رہی ہے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ معاشرت رہنا سہنا اختیار کیا کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات ناپسند لگے تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر کثیر رکھی ہو، بڑی بھلائی رکھی ہو۔ معلوم ہوا کہ یہاں گناہ کی بات مراد نہیں ہے، ورنہ گناہ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس میں تو کبھی اللہ نے خیر نہیں رکھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے رویوں کے بارے میں بھی سمجھاتے ہوئے فرمایا، ترمذی میں، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی ہی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سے زیادہ بہتر اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ معاملات کے بارے میں ہم نے یہ میاں بیوی کے حقوق اور ان کے فرائض کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد آج کے درس میں جو چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا، اس کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ معاشرت، رہنا سہنا، گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر جب انسان مل جل کر زندگی گزارتا ہے تو اسے معاشرت کہتے ہیں۔ معاشرت کے آداب کے سلسلے میں آج اہم ترین بات جس کا تذکرہ مقصود ہے وہ ہے محرم نامحرم کا خیال رکھنا، پردے کا خیال رکھنا۔ آج معاشرے کے اندر یعنی رہتے سہتے ہوئے زندگی گزارنے میں انسان ان تمام چیزوں سے بہت دور ہو چکا، اور بسا اوقات گھریلو زندگی میں بھی اس کی تربیت نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ لیکن انسان جب جاگتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آج معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں قرآن حکیم میں جو آداب سکھائے گئے ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ تمام انسان جو محرم ہیں، نامحرم ہیں، سب کا خالق اللہ ہے۔ اللہ سے زیادہ محرم نامحرم کی نفسیات کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ محرم کا بھی خالق ہے، نامحرم کا بھی خالق ہے۔ لہذا مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو اور بچیوں کو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، جس سے ہمیں معاشرے کے اندر تین باتیں کم از کم ضرور سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور یہ تینوں باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی چوتھے پارے کے آخری رکوع کا جو ترجمہ ہے وہ آپ ذہن نشین فرما لیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے محرم نامحرم عورتوں کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ بچوں کو اور بچیوں کو اور گھر کی خواتین کو اور مردوں کو یہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی اور چوتھے پارے کی آخری رکوع، جو سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 23 اور 24 ہے پوری، کہ جسے ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ چوتھے پارے کا آخری رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو محرم نامحرم کی تفصیل بتائی ہے اس سے آپ کو تین باتیں معلوم ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ کن خواتین سے پردہ کرنا ہوتا ہے مردوں نے، کن سے نہیں کرنا ہوتا۔ یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ، یہ سوچ بالکل واضح کر لینی چاہیے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں۔ نمبر دو یہ کہ کن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اور کن رشتہ داروں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی
हज पे जाना है, उम्रे पे जाना है, तो कौन सी खातून का कौन सा मर्द महरम बन सकता है। तो ये तीन बातें, एक पर्दे वाली बात, एक शादी वाली बात, और एक कौन सफर में महरम बन के जा सकता है कौन नहीं, इसका तज़किरा। चुनाचे सूरह निसा की आयत नंबर 24, आयत नंबर 23, और फिर चौथे पारे का आखिरी रुकू, उसमें अल्लाह ताला ने हमें बताया कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए तुम्हारी माएँ हराम हैं। तो नंबर एक, माँ, माँ जो है ये महरम है। अब तीनों मसले हल हो गए, इससे शादी नहीं हो सकती, ये मुहर्रमात अबदिया में से है, हमेशा हमेशा के लिए हराम है, और इससे पर्दा भी नहीं है, और इसको माँ के साथ ये बतौरे माँ के साथ बतौरे महरम के बेटा ये हज उम्रे के सफर में जा सकता है। तीनों बातें आहिस्ता आहिस्ता समझनी साथ साथ। नंबर दो, वो बनातुकुम, तुम्हारी बेटियां, ये भी महरम है। नंबर तीन, वाखवातुकुम, तुम्हारी बहनें, हकीकी बहनें। नंबर चार, वाम्मातुकुम, तुम्हारी फूफियां। यहाँ ध्यान में रखना चाहिए कि अरबी जुबान में अम्मतुन ये फूफी को भी कहते हैं और चची और ताई को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ कुरान मजीद की आयत में अम्मतुन से मुराद सिर्फ फूफी है, यानी वालिद की बहन। ये तो मुहर्रमात में से है, इनसे पर्दा भी नहीं है, लेकिन ताई और चची, इनसे पर्दा करना होगा क्योंकि ये गैर महरम है। लेकिन बसा औकात हमारे खानदानों में ये बुजुर्ग खवातीन होती हैं, ताई और चची, तो ऐसी सूरत के अंदर उनको सलाम करना, उठना बैठना, उनका अदब व एहतराम करना, ये अपनी जगह बरकरार, लेकिन है गैर महरम। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने पांचवा रिश्ता बताया, व खालातुकुम, तुम्हारी खालाएं। अरबी जुबान में खाला ये माँ की बहन को कहते हैं, लेकिन जब डिक्शनरी में आप देखेंगे तो खाला ममानी को भी कहते हैं, लेकिन कुरान मजीद की इस आयत में खाला से मुराद, खालातुकुम से मुराद सिर्फ खाला है, वालिदा की बहन, इनसे तो पर्दा नहीं, लेकिन जो ममानी है उससे पर्दा करना होगा कुरान मजीद की इस आयत के मुताबिक। ममानी भी अब हमारे मुआशरे में एक काबिले एहतराम रिश्ता समझा जाता है। मैंने अर्ज किया, एहतराम अपनी जगह, उठना बैठना, सलाम करना, आदाब का ख्याल करना अपनी जगह, लेकिन है गैर महरम। फिर नंबर छह पे अल्लाह ताला ने बताया, बनातुल अखी, भाई की बेटियां यानी भतीजियां। अब भतीजी जो है वो भी महरम है, मुहर्रमात अबदिया में से है, लिहाजा उससे भी पर्दा नहीं। नंबर सात, बनातुल उख्ती, बहन की बेटियां यानी भांजी, ये भी मुहर्रमात अबदिया में से, इससे भी पर्दा नहीं। वो उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम, नंबर आठ, वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो यानी रजाई माएँ, तो वो भी मुहर्रमात में से हैं, उनसे भी पर्दा नहीं। फिर आगे फरमाया, वाखवातुकुम मिन अर्रज़ाअ, जो तुम्हारी दूध शरीक बहनें हैं, वो भी तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम, उनसे शादी नहीं हो सकती, लिहाजा उनसे पर्दा भी नहीं है। फिर आगे फरमाए, वो उम्महातु निसाएकुम, तुम्हारी बीवियों की माएँ, यानी हम उर्दू जुबान में आमतौर पर उनको सास कह देते हैं, लेकिन जब उर्दू में फ़र्क करते हैं तो जो बीवी की माँ होती है वो कहलाती है खुश दामन। तो बीवी की माँ भी हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है, उनसे भी पर्दा नहीं। फिर आगे फरमाया, वराबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, तुम्हारी वो रबीबा जो तुम्हारे यहाँ हो, तुम्हारी गोदों में। रबीबा कहते हैं अगर ये खातून हो, उनके पहले शौहर से जो बेटी होती है वो दूसरे शौहर के लिए रबीबा कहलाती है। अगर किसी खातून को तलाक हो गई है, उसके पहले शौहर का इंतकाल हो गया और फिर उसके यहाँ पहले एक बेटी मौजूद थी, अब ये भी साथ ही आ गई दूसरे शौहर के पास जब शादी की, तो ऐसी सूरत में ये रबीबा जो है ये भी गैर महरम, ये मुहर्रमात अबदिया में से है, और इस तरह ये भी, इससे भी पर्दा नहीं होता। फिर फरमाया कि वहलाइलु अबनाइकुमुल्लदीन मिन असलाबिकुम, और तुम्हारी बहुएं यानी बेटे की बीवी,
अब बेटे की जो बीवी होगी वो भी हमेशा हमेशा के लिए इस पर हराम हो जाएगी, लिहाजा यहाँ भी पर्दा नहीं। तो आगे फरमाया अंतजमाऊ बैनल उख्तैन इल्ला मा कद सलफ, कि दो बहनों को निकाह में जमा करना ये जायज नहीं। दो बहनों को जमा करना यानी एक औरत से शादी हुई भी है तो अब उसकी जो बहन है जिसे हम मुआशरे में साली कहते हैं तो ये गैर महरम है, क्योंकि आप बीवी के इंतकाल के बाद या बीवी के तलाक के बाद उसे शादी कर सकते हैं, लिहाजा साली से भी पर्दा करना होगा। ये महरम और नामहरम आज का मौजू था कि मुआशरे में रहते हुए, घरों में रहते हुए, खानदानों में रहते हुए महरम और नामहरम का ख्याल करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें सूरह निसा की आयत नंबर 23 और चौथे पारे का आखिरी रुकू, इसका तर्जुमा जरूर जहन नशीन करना चाहिए। हम मुआशरे के अंदर बसा औकात बाद रिश्तेदार खवातीन को रिश्तेदार समझते हैं और उनसे पर्दे का और महरम नामहरम का ख्याल नहीं होता। और फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक समझाया कि हमें मुआशरे के अंदर रहते हुए बाद रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में घरों के अंदर रहते हुए ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर जब शादी हो जाती है तो देवर और जेठ आम तौर पर घर में रहते हैं। देवर शोहर का छोटा भाई, जेठ शोहर का बड़ा भाई, तो उनसे आम तौर पर पर्दे का हमारे मुआशरे में कोई तसव्वुर नहीं होता। हजरत उकबा इब्ने आमिर रजी अल्लाह तआला से रिवायत है, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तिर्मिजी में ये रिवायत मौजूद है। इतनी मुस्तनद रिवायत है इसलिए इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नामहरम औरतों के पास मत जाया करो। एक अंसारी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देवर के बारे में क्या राय है? हम उनका लफ्ज है अरबी में कि हम हामीम, देवर के बारे में क्या राय है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देवर तो मौत है, अलहमु अल मौत, यानी उससे बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। अब अगर हम अपने मुआशरे के अंदर देखें तो घरों के अंदर रहते हुए देवर और जेठ से पर्दे का तसव्वुर नहीं होता, और नतीजा ये है कि कुछ अरसे के बाद जब शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, हालात पैदा होते हैं, वक्त बहुत गुजर जाता है, फिर ख्याल आता है कि कुरान हकीम के अहकाम का असल मकसद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुआशरे के अंदर महरम और नामहरम का जो ख्याल सिखाया है वो असल वजह उसमें क्या है। इसलिए जब कभी ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए कि महरम भी घर में है, नामहरम भी घर में है, देवर हैं, जेठ हैं, और ऐसी सूरत में कैसे इंसान ये ज़िंदगी गुजारे, फिर कैसे घर के काम भी करने हैं, किचन भी चलाना है, तो ऐसी सूरत में किसी न किसी आलिम से ताल्लुक़ कायम करके वहाँ उनसे सवालात कर लिए जाएं कि मेरे घर का ये माहौल है, मुझे महरम नामहरम का ख्याल करके कैसे वक्त गुजारना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसकी वजह से अल्लाह ताला बहुत से गुनाहों और बहुत से फितनों से अल्लाह ताला हमें बचा लेता है। इसके बाद आज के सबक में, दर्स में अखलाकियात के हवाले से हम बात करेंगे। अखलाकियात यानी इंसान की जो आदतें हैं उन पुख्ता आदतों का जिक्र करना, कि इंसान की आदतें इस तरह की बन जाएं कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक हम चल सकें। उसमें आज हम मुताला करेंगे कि बुजुर्गों का, मुआशरे में बुजुर्गों का ख्याल करना, उनका एहतराम करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा अकरम शाबुन शेखन मिन अजली सिन्नी इल्ला कय्यदल्लाहु शाबन इंद सिन्नी मन युकरिमुहु औ कमा काल अलैहि सलातु वसलाम। यानी जो नौजवान किसी बूढ़े की इज्जत उसके बुढ़ापे की वजह से करता है तो अल्लाह ताला उस नौजवान के बुढ़ापे में एक नौजवान को मुकर्रर कर देते हैं जो इसकी इज्जत करता है। मालूम हुआ आज मुआशरे के अंदर रहते हुए हमें बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, इससे मुआशरे के अंदर खैर व बरकत अल्लाह ताला नसीब फरमाता है। ये बुजुर्ग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, इनका मिजाज पुख्ता हो चुका होता है, इनके अपने उसूल पुख्ता हो चुके होते हैं, और फिर उसके साथ साथ उनमें बर्दाश्त में भी कमी आ जाती है, और फिर उसके साथ साथ उनको अपनी ज़रूरियात के लिए मुआशरे के, घर के अफराद पर जो है वो
इन्हिसार करना पड़ता है जिसकी वजह से हालात पैदा होते हैं। उसके लिए हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिखाया, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, दोनों बूढ़े हो जाएं, या एक बूढ़ा हो जाए, या घर के अंदर और बूढ़े अफराद हों, तो उनके साथ हमें तकलीफ दे बातें उनके साथ नहीं करनी चाहिए, उनके साथ नरम लहजा इख्तियार करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें उनके सामने आजिज़ी से रहना चाहिए और उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें मुआशरे के बुज़ुर्गों का, बड़ों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, और ख़ास तौर पर माँ बाप अगर बुज़ुर्ग हों तो ऐसी सूरत में उनका भी एहतराम करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।